नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों आज है 4 मई और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का करंट अफेयर, मतलब 4 मई का करंट अफेयर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कल का एक बार रिवीजन कर लेंगे। और कल के रिवीजन में दोस्तों आप लोगों के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं वो है, देखिए CIA जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहाँ की है दोस्तों, अमेरिका की एजेंसी है। तो इसके पहले मुख्य प्रौद्योगिकी या तकनीकी अधिकारी कौन बनाए गए हैं, CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन बनाए गए हैं, तो नंद मूल चंदानी बनाए गए हैं जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, पहले हम पढ़ते थे बनेंगे, अभी पढ़ रहे हैं बने हैं। कौन बने हैं, तो विनय मोहन क्वात्रा जो कि 34वें नंबर के विदेश सचिव बनाए गए हैं। ये किसका स्थान ले चुके हैं दोस्तों, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। ये पहले कहां पर थे, नेपाल में भारत के राजदूत थे। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी कहाँ गए हैं, तो G20 में भारत की तरफ से समन्वयक बनाए गए हैं। डन है, इतनी सारी चीजें सही हैं। आगे देखते हैं कि विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 मई को मनाया जाता है। एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो हांगकांग, मतलब सबसे महंगा कार्यालय कहां पर है, किराया सबसे ज्यादा कहां पर, हांगकांग में। उसके बाद अगर हम बात करें भारत के NCR, दिल्ली NCR की, तो वहां पर जो है ये 9वें स्थान पर था। ठीक है, दिल्ली NCR, और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पहली जीन बैंक परियोजना किसने शुरू की, तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। किसने शुरू की है, महाराष्ट्र ने। कर हम लोग GI टैग के बारे में देख रहे थे, तो महाराष्ट्र को ही हापुस आम का और सफेद प्याज का GI टैग दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए CBDT की कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए मैंने यहाँ कार्यकारी लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये परमानेंट नहीं है, मैक्सिमम 3 महीने या जब तक कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं तब तक के लिए इनको बनाया गया है। तो कौन है, संगीता सिंह जी हैं। और रिटायर कौन हुए, तो JB महापात्रा जी रिटायर हुए, तो उन्हीं के स्थान पर इन्हें बनाया गया है। पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल मतलब ये ग्रेन, मोटे अनाज जो है ना उन पर आधारित प्लांट है, और इससे क्या बनाया जाता है, तो एथेनॉल बनाया जाता है। और ये कहां पर लगाया गया, भारत का पहला प्लांट है, तो दोस्तों ये बिहार के पूर्णिया में लगाया गया है। और उद्घाटन किसने किया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा उद्घाटन इसका किया गया। खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स का जो द्वितीय संस्करण, ये कहां पर आयोजित किया गया, तो ये त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और उद्घाटन किसने किया, अनुराग ठाकुर ने। 30 से 95 साल तक के मास्टर खिलाड़ी जो होंगे वो इस गेम में हिस्सा लेंगे। पहले राज्य स्तरीय ओलंपिक का आयोजन, तो दोस्तों ये भारत का पहला राज्य स्तरीय ओलंपिक है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहां किया गया है, तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ठीक है, मतलब किया जाएगा। और शुभंकर का नाम क्या रखा गया है, इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों इस समय। ठीक है, और शुभंकर का नाम क्या रखा गया है, तो नीरज नाम का एक खरगोश है जिसे शुभंकर बनाया गया है। तो नीरज नाम क्यों रखा गया, तो जो हमारे स्टार हैं, गोल्डन बॉय हैं, नीरज चोपड़ा हैं, भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता ओलंपिक्स में, तो उन्हीं के नाम पर इस खरगोश का नाम क्या रखा गया, नीरज नाम रखा गया है। ठीक है, ये सारी चीजें थी कल के रिवीजन की दोस्तों। अब बात करते हैं आज कल के जो है विशेष बिंदु के रिवीजन की। तो देखिये दिल्ली NCR जो कि किराया सूचकांक में 9वें स्थान पर था, तो उसके बारे में एक बार देख लीजिए कि दिल्ली NCR क्या है। NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसमें कितने जिले हैं, टोटल 23 जिले हैं। आपको याद क्या करना है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में किसे शामिल किया गया, तो शामली को शामिल किया गया है। ठीक, कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन में देता है कि निम्न में से कौन जो है नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं आता है, तो आपको मथुरा दे देगा, अलीगढ़ दे देगा उसमें। ठीक है, तो मथुरा और अलीगढ़ अभी प्रस्तावित जिले हैं, इन्हें शामिल नहीं किया गया है। ठीक, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। ठीक है, हरियाणा के 13 जिले हैं और राजस्थान के 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर। तो इतनी सारी चीजें हैं दिल्ली NCR में। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे, और आज के करंट अफेयर की PDF प्राप्त करने के लिए आप अपना स्टडी शाला परिवार ज्वाइन करें। स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पर एक परिवार बनाया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर लें और वहां पर सारी क्लास की PDF उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज जान लीजिए,
कि यदि आप अपनी तैयारी को निरंतरता से आगे बढ़ाएंगे तो आपको आगे आने वाली किसी भी परीक्षा में समस्या नहीं होगी। और एक बार आपकी तैयारी हो जाएगी तो कोई भी आप परीक्षा देंगे ना, तो वो परीक्षा एकदम बड़े बेहतरीन तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, मैंने भी अपनी तैयारी एक ही बार अच्छी बनाई और निकलते गए, जो भी परीक्षाएं मैंने दी सारी परीक्षाएं मेरी निकलती गई। ठीक है, तो तैयारी एक बार बनाने की जरूरत है। एक बार आपने मेहनत की, तैयारी आपकी बन गई, तो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बनाए गए हैं? ठीक है, तो पीएमओ के नए सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो नए सलाहकार बनाए गए हैं तरुण कुमार। ठीक है, ये भी जो है 1987 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और ये वर्तमान समय में रिटायर्ड है, लेकिन इनको क्या बनाया गया है, इन्हें प्रधानमंत्री जी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? अमित खरे के स्थान पर। इनसे पूर्व जो थे अमित खरे जी थे, इनके स्थान पर तरुण कुमार जी को बनाया गया है। ठीक है, अब अन्य नियुक्तियां भी कुछ देख लेते हैं, नियुक्तियों की बात है तो अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो अनंत नागेश्वरन बने हैं। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद बने हैं के विजय राघवन के स्थान पर। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, अभी आपने देखा रिवीजन में भी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोवाल है। ठीक है, अजीत डोवाल सर्जिकल स्ट्राइक के माइंड गेमर है, अजीत डोवाल एनएसए। थल सेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए? तो बीएस राजू। और प्रमुख की बात करें तो मनोज पांडे जी बनाए गए हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं आपकी नवीन नियुक्तियों में, बहुत सारी नियुक्तियां हैं, उनको अलग से एक वीडियो में आपको दिया जाएगा। आपके मंथली वाली वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन दोस्तों समय कम मिलने की वजह से थोड़ा उसका काम धीरे चल रहा है, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये जो मई का पहला मंगलवार होता है उसी दिन मनाया जाता है। तो मई का पहला मंगलवार 3 मई को पड़ा था, तो 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ठीक है, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर मतलब अस्थमा की देखभाल के अंतर को कम करना। ठीक है, ऐसे ही एक और थीम है, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप, तो ये किसकी थीम है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, कि क्लोज द केयर गैप। ठीक है, आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी माफ कीजिएगा सूचकांक नहीं दिवस, ये भी कब मनाया गया? तो दोस्तों ये भी 3 मई को मनाया गया है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा सिफारिश की गई और यूएनओ महासभा ने इसे मनाने की घोषणा की थी। अब देखिए दोस्तों, ये 3 मई को मनाया जाता है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया, जिसमें 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 142वें स्थान पर रहा 2021 में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे, मतलब जहां सबसे स्वतंत्र मीडिया कहां पर है तो वो नॉर्वे में है, और भारत का स्थान थोड़ा सा गड़बड़ है, इसे जो है भारत के मंत्रालय ने मानने से इनकार भी कर दिया है। ठीक है, बात करें मई के दिवस, तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हास्य दिवस, गुजरात व महाराष्ट्र दिवस और उज्ज्वला दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? आपको पता है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा था। स्टेडियम कौन सा था? कांतिरवा स्टेडियम, कांतिरवा स्टेडियम में आयोजन किया जा रहा था। और दोस्तों इसका आयोजन करता कौन था? तो जैन यूनिवर्सिटी इसका आयोजन करता थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? जैन यूनिवर्सिटी इसका आयोजन करता थी। और दोस्तों जो विजेता बनी है अब की बार की, वो भी कौन बनी है? जैन यूनिवर्सिटी ही बनी है। तो विजेता कौन बनी है दोस्तों? जैन यूनिवर्सिटी बनी है। आप ये जो है मेडल लिस्ट देख सकते हैं कि जैन यूनिवर्सिटी को कौन सा 32 मेडल के साथ पहला स्थान मिला, जिसमें 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। तो गोल्ड से ही मैंने बताया था कि स्थान डिसाइड होता है, तो सबसे ज्यादा गोल्ड है। ठीक है, पदकों में सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन गोल्ड सबसे ज्यादा पाने की वजह से प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये जो है 17, 15 और 19, टोटल 51 पदक है, सबसे ज्यादा पदक इसने प्राप्त किए, लेकिन गोल्ड कम था, 17 गोल्ड ही था, इसीलिए दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि पिछले वाले सीजन में 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर थी। ठीक है, तो इस समय ये 2021 का है यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, जो कि 2022 में खेला गया, कोविड की वजह से 2021 में आयोजित नहीं किया जा सका था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपके समझ में दोस्तों आ गई होंगी। आगे चलते हैं। ठीक है, डन है।
पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो कोमल कोहर ने जीता था पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलन में, ठीक, वो भी जैन यूनिवर्सिटी की ही है शायद। अगला है सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ठीक है, देखिए सहकारिता मंत्रालय जो है इसके मंत्री जो है, ठीक है, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है अमित शाह जी, और इनके जो सचिव बनाए गए हैं तो वो कौन बनाए गए हैं? ज्ञानेश कुमार। कौन बनाए गए हैं दोस्तों? ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं सहकारिता मंत्रालय के सचिव। बात करें किसका स्थान लेंगे, तो ये देवेंद्र कुमार सिंह जी का स्थान लेंगे, ठीक है, किसका स्थान लेंगे? देवेंद्र कुमार सिंह जी का। देखिए अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, फटाक से आप लोग उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में जाकर। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री है दोस्तों कौन? अभी तक शिक्षा मंत्रालय का नाम एचआरडी था, ठीक है, एचआरडी मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, ठीक है, अभी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके अगर मैं पूछूं कि खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है या सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो सूचना प्रसारण या खेल मंत्री के जो मंत्रालय के मंत्री हैं वो कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं जो इसके मंत्री हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 है ये आयोजित किया जाएगा गुजरात के केवड़िया में। कहां? गुजरात के केवड़िया में, और केवड़िया में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में ही स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो आप एक तरीके से देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी में आयोजन, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? केवड़िया। केवड़िया किस जिले में है? नर्मदा जिले में है, और नर्मदा जिला कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो कहाँ पर आयोजन होगा? गुजरात के केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी में। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई है, ठीक है। बात करें केवड़िया रेलवे स्टेशन, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में पहला पोर्टेबल रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाया गया गुजरात के गांधीनगर में, और गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। अब देखिए स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की बात करें तो मनसुख मांडविया जी करेंगे, और मनसुख मांडविया जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है इस शिखर सम्मेलन का? तो कोरोना मामलों पर नियंत्रण करना, ठीक है, और क्या है कि जो टीकाकरण है कोरोना के लिए उसको बढ़ावा देना, ठीक है, तो नियंत्रण और टीकाकरण को बढ़ावा देना, तो ये है इसका उद्देश्य। इन चीजों को आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? देखिए अभी तक इसमें, इस चैंपियनशिप में कोई भी भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीत सका था, ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है हर्षदा गरुड़। कौन बनी है दोस्तों? हर्षदा गरुड़ बनी है। भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो है जूनियर का, ये इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है। और ये कहां पर आयोजित किया जा रहा था? तो हेराक्लियोन ग्रीस में आयोजित किया जा रहा था। कहां? हेराक्लियोन ग्रीस, जहां से ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, जिसे आप एथेंस कहते हैं, ठीक है, तो वहीं से जो वहीं पर ये आयोजित किया गया, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लेनी है कि हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है, इन्होंने भार उठाकर IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। अन्य विजेताओं को देख लेते हैं दूसरी चैंपियंस में, तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। इसका आयोजन कहां हो रहा था? तो इसका आयोजन हो रहा था मनीला फिलीपींस में। कहां दोस्तों? मनीला फिलीपींस में। अगला डेनिश ओपन 2022 जो तैराकी चैंपियनशिप है, डेनिश ओपन जो डेनमार्क में खेला जा रहा था, डेनिश ओपन 2022 तैराकी चैंपियनशिप होती है, तो इसमें दोस्तों देखिए भारत के खिलाड़ियों ने जो पदक जीते हैं, वेदांत माधवन जो कि आर माधवन के बेटे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आर माधवन जो है एक्टर हैं और उनके बेटे वेदांत माधवन है, उन्होंने 1500 मीटर में क्या जीता है? रजत पदक, और 800 मीटर में गोल्ड पदक जीता है। 1500 मीटर में रजत और 800 मीटर में गोल्ड पदक जीता है। और एक साजन प्रकाश जो कि तैराक हैं भारत के, उन्होंने 200 मीटर में गोल्ड पदक जीता है, ठीक है।
माधवन ने गोल्ड और रजत दोनों जीता है, 800 में गोल्ड 1500 में रजत, और साजन प्रकाश ने 200 में गोल्ड पदक जीता है, मतलब 200 मीटर जो फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा है उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, 75वीं संतोष ट्रॉफी। यहां पर दो क्वेश्चन आते हैं कि संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी जो है दोस्तों वो फुटबॉल से संबंधित है, इसे सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। तो ये सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का ही है या संतोष ट्रॉफी 2022 का ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है पहली चीज, और दूसरी चीज ये है कि 2022 का खिताब किसने जीत लिया है, तो ये जीता है केरल राज्य ने। किसने? केरल राज्य ने जीता है, और केरल के तिरुवनंतपुरम में अभी आपने पढ़ा है कि पहला राज्य स्तरीय ओलंपिक्स का आयोजन किया गया कहां पर? केरल राज्य में किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ के रखेंगे, किसको हराकर केरल ने जीता है? पश्चिम बंगाल को हराकर केरल ने संतोष ट्रॉफी 2022 जीता है, और ये जो है केरल की सातवीं ट्रॉफी होगी, मतलब सातवीं संतोष ट्रॉफी है जो केरल ने जीती है। और ये संस्करण कौन सा दोस्तों? 75वां संस्करण था, और इसका आयोजन कहां किया गया? तो मलप्पुरा केरल में ही इसका आयोजन भी किया गया था। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए। फुटबॉल की कुछ और प्रतियोगिताओं के विजेता देख लेते हैं कि सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप। ठीक है, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप, मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसने जो है अंडर 19 जो विश्व महिला चैंपियनशिप कराई है, तो उसके विजेता कौन बने हैं 2022? देखिए, 2021 में बांग्लादेश ने भारत को हराया था, और 2022 में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। ठीक है, इंडियन सुपर लीग 2021-22 की बात करें तो इसने इसे किसने जीत लिया है? तो हैदराबाद एफसी ने जीत लिया है, मतलब हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग जीत लिया है। ठीक है, बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2021 की, तो वो जीता था चेल्सी ने। किसने? चेल्सी ने जीता था। तो इतनी सारी चीजें आप दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट, देखिए ये है फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट, मतलब यहां पर फ्लाइंग टैक्सीज चलेंगी। ठीक है, कार्स होंगी, टैक्सीज होंगी, ये कैसी होंगी? फ्लाइंग वाली होंगी, उड़ने वाली होंगी। अर्बन एयर वन वर्टिपोर्ट, एयरपोर्ट का नाम क्या है? अर्बन एयर वन वर्टिपोर्ट। तो अगर आपसे पूछा भी जाएगा ना, तो ये एयरपोर्ट का नाम नहीं पूछा जाएगा, कहां पर लगाया गया ये पूछा जाएगा। तो दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहां दोस्तों बनाया गया? तो बनाया गया है इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में। कहां? कोवेंट्री शहर में बनाया गया। तो ये है आपका इंग्लैंड, और इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में बनाया गया है फ्लाइंग एयरपोर्ट। ठीक है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट। अब देखिए दोस्तों, कोवेंट्री शहर में ही क्यों बनाया गया? तो ये शहर जो है इंग्लैंड के लगभग बीचों बीच में पड़ता है, तो यहाँ पर सुविधा के दृष्टिकोण से इसी शहर कोवेंट्री में ही बनाया गया है। ठीक है, इंग्लैंड में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? वो आयोजित किए जाएंगे दोस्तों इंग्लैंड में। कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इंग्लैंड में आयोजित किए जाएंगे, और इंग्लैंड में बात करें तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं कि मेघालय गेम्स 2022 के चौथे संस्करण की शुरुआत कहाँ की गई? तो मेघालय गेम्स 2022 का जो चौथा संस्करण है उसकी शुरुआत की गई मेघालय के शिलांग में। कहाँ की गई दोस्तों? मेघालय के शिलांग में की गई है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें मेघालय के शिलांग की, तो वहां पर और भी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, समझनी है। क्या है कि देखिए, यहाँ पर 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? शिलांग में ही। ठीक है, शिलांग में ही एक जिंग किंग जेरी, जिसे लिविंग रूट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, और इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। किसने? यूनेस्को की अस्थायी धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की अस्थायी सूची, ठीक है, तो अस्थायी सूची में इसे शामिल किया गया है। अगला है संत नामदेव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं, उनका नाम है दोस्तों सत्यपाल मलिक। तो इन्हें ही, सत्यपाल मलिक को ही संत नामदेव पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, तो मेघालय के बारे में आप इतनी सारी चीजें याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है अविभाज्य सुरक्षा सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? वैश्विक सुरक्षा पहल, ठीक है, मतलब किसी देश को अलग नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए सिद्धांत अविभाज्य सुरक्षा सिद्धांत की पहल को जो है आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल किसने चलाया? तो ये चीन ने चलाया है। किसने चलाया है? चीन ने चलाया। चीन ने हाल ही में गावफेन उपग्रह भी छोड़ा था पृथ्वी पर निगरानी रखने के लिए। ठीक है,
तो चीन ने शुरू किया है वैश्विक सुरक्षा पहल, ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों बात करें कि अन्य जो चीन के बारे में कुछ और करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? चीन। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां गया, तो चीन के बीजिंग शहर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर कौन था? नॉर्वे, दूसरे पर जर्मनी और तीसरे स्थान पर चाइना था। ठीक है, अगला है धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया है, तो ये भी चीन के वैज्ञानिकों ने ही बनाया है। और एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा, तो हांगकांग जो कि चाइना का शहर है यही कहां पर रहा, शीर्ष पर रहा है। बात करें यदि कागजी मुद्रा के इस्तेमाल की, तो कागजी मुद्रा का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया, चीन ने किया। कागज का आविष्कार किसने किया, चीन ने ही कागज का आविष्कार भी किया है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीजें आप चीन के बारे में अच्छे से याद रखेंगे, डन है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों आज के क्लास का रिवीजन हम लोग देखेंगे, एक क्विक रिवीजन रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। उससे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लें, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से आपका टेलीग्राम परिवार है। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का क्विक रिवीजन, देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं। तरुण कपूर बने हैं अमित खरे जी के स्थान पर। विश्व अस्थमा दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 3 मई को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही, तो जैन यूनिवर्सिटी। दूसरे पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे पर है पंजाब यूनिवर्सिटी। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। और सचिव कौन बने, तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 दोस्तों कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये केवड़िया गुजरात में आयोजित किया जाएगा। और अध्यक्षता कौन करेंगे, तो मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे है IWF विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये है हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, तो ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है भारत के इतिहास में। 75वीं संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है, किसने जीता है, तो ये केरल ने जीता है। और केरल की ये 7वीं ट्रॉफी है, 7वीं संतोष ट्रॉफी है। किसे हराकर जीता है, पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। इसका आयोजन कहां किया गया, तो मतलब पूरा केरल में ही इसका आयोजन भी किया गया था। आगे देखिए केरल के बारे में और बहुत सारी चीजें आप जानते हैं कि मातृत्व मृत्यु दर अनुपात जो है उसमें केरल जो है शीर्ष पर है, मतलब सबसे कम जो है मातृत्व अनुपात दर मृत्यु दर है वो कहां पर है, केरल में ही है। ठीक है, ये सारी चीजें आप एकदम दिमाग में सेट करके रहेंगे। अगला है दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट दोस्तों, तो नाम क्या है, अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट, और ये कहां पर है, इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में बनाया गया है। मेघालय गेम्स 2022 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये शिलांग में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक सुरक्षा पहल शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो चीन बना है। ठीक है, अविभाज्य सुरक्षा सिद्धांत के तहत वैश्विक सुरक्षा पहल शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, चीन है। मैं बात करूं तो विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है, तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आज के विशेष बिंदुओं को देखते हैं, आज के विशेष बिंदु में कुछ रिविजन रखे गए हैं। देखिए भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर लगाया गया है, तो आपको पता है कि जोरहाट असम में लगाया गया है, असम के कहां, जोरहाट में लगाया गया है। ठीक है, और किसने लगाया, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने लगाया है। ठीक है, यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड किसे दिया गया है, तो राघव चड्ढा को दिया गया है जो कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। कौन है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे चुना गया है, तो बबीता सिंह को चुना गया है वैश्विक शांति राजदूत के रूप में। उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार, ठीक है, ये लोक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दो जिलों को दिया गया है, एक चूरू जिला है और एक विष्णुपुर जिला है। कौन सा, एक चूरू है और एक विष्णुपुर जिला है। तो देखिए चूरू जिला कहाँ है, राजस्थान में, और विष्णुपुर जिला कहाँ है, मणिपुर में है। तो दोस्तों मणिपुर के विष्णुपुर में ही पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा भी फहराया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री दोस्तों कहां पर लगाई जाएगी, तो तेलंगाना में लगाई जाएगी, एक अमेरिकी कंपनी है उसी के द्वारा, दो चरणों में लगाई जाएगी, लगभग 200 हेक्टेयर की बात हुई है, 200 एकड़ या 200 हेक्टेयर ऐसे कुछ है, आप एक बार रिवीजन कर लेंगे उसको। लेकिन आपको याद जो करना है वो यही करना है कि सबसे बड़ी थ्री व्हीलर फैक्ट्री इलेक्ट्रिक वाली कहां पर लगाई गई, तो तेलंगाना में लगाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं।
स्किल इंडिया इंटरनेशनल इनोवेशन सेंटर, देखिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो दोस्तों ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। कहां? उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। ये दोस्तों है आज का आपका रिवीजन, जो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कल का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कल के प्रश्न को तो मैंने खुद ही उत्तर बता दिया था एक, ठीक है। तो ये देखिए फ्लो फ्लो में कल उत्तर आपका मैंने ही बता दिया था कि वैक्यूम सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन बना है, तो ये तो आगरा था, ठीक है। आपका गांधीनगर सोलर पोर्टेबल रूफटॉप सोलर संयंत्र गांधीनगर में लगाया गया। रामपुर पहला अमृत सरोवर था। और सांबा जो कि जन आरोग्य जो योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला जिला कौन बना था? सांबा। और इसी की एक पंचायत है पल्ली पंचायत, जो कि देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था चारुदत्त मिश्रा को, ठीक है। हिम तेंदुआ संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को सम्मानित किया गया था। देवदत्त चक्रवर्ती आप जानते हैं, यंग फूड जो लेडी यंग फूड पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? देवदत्त चक्रवर्ती को। इनका एक जो फोटो थी उसका नाम क्या था? कबाब याना। क्या नाम था? कबाब याना। मैक्स वर्स्टैपेन, इनके बारे में आपने तमाम चीजें देखी है। तो लारियस जो पुरस्कार है किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। दीपिका पादुकोण देखिए टाइम 100 जो इंपैक्ट अवार्ड जीता है किसने जीता है? तो दीपिका पादुकोण ने। और कान फिल्म महोत्सव जो कि 75वां कान फिल्म महोत्सव होने वाला है उसमें जूरी सदस्यों में भी इन्हें शामिल किया गया, किसे? दीपिका पादुकोण को, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आज का आपके लिए प्रश्न है दोस्तों कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो ऑप्शन आपके सामने है। आपको यह भी बताना है कि विमान कौन सा था, ठीक है, कौन सा विमान था जो लैंड किया था और कहां पर लैंड किया था। ये तीन क्वेश्चन आपको बताने हैं, ठीक है। एयरलाइंस, विमान और कहां पर, ठीक है, किस राज्य के एयरपोर्ट पर उतरा था। अगला, थल सेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस के बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका सेशन। सेशन आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।